kids, how are you all? I hope you all are well at home. Am I right? Very good. Kids, welcome back. Here, I am Jyotsna from the Wisdom School, Sirsa. Kids, now assembly time. Abhi kaun sa time hai bachche aapka? Assembly time hai. And in our assembly time, today we will do simple phrases. Okay, bachcha? First of all, we will revise those phrases which we have already learnt, and after the revision, we will learn next three phrases. Okay, bacha? तो आज हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम जितनी phrases कर चुके हैं उनके revision, और revision के बाद मैं आपको आपकी three phrases और new learn करवाऊंगी. बस आपके इस first term में बेटा इतने ही simple phrases हैं, total 12 हैं. 9 हम लोग कर चुके हैं और 3 आज कर लेंगे, तो हमारी टोटल जितनी भी 12 फ्रेजेस हैं वो आज हमारी कंप्लीट हो जाएंगी. ओके बच्चा, बट ये भी स्टार्ट करने से पहले बच्चा सम बेसिक थिंग्स जो आपको पता होनी चाहिए. व्हाट इज द डेट टुडे? टुडे इज 8. एंड व्हाट इज द डे टुडे? टुडे इज वेनसडे. टुडे इज वेनसडे. ओके बच्चा, टुडे इज वेनसडे. क्लियर? सिंपल फ्रेजेस. सो शैल वी स्टार्ट? ओके, लेट्स स्टार्ट. Kids, look at the blackboard. Our first simple phrase is thank you. Okay? मैंने आपको बताया था ना, phrases वो होती हैं जो हम लोग अपनी रूटीन में, अपनी डेली रूटीन में जो सेंटेंस बार बार यूज करते हैं, जो बहुत कॉमन से सेंटेंस होते हैं. तो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है बच्चा थैंक यू. थैंक यू हम कब बोलते हैं? जब हमें कोई चीज कोई देता है तो उसको हम रिटर्न में, उसके बदले में हम उसको थैंक यू बोलते हैं. अगर आपको कोई गिफ्ट दे रहा है या आपको कोई वेरी गुड बोलता है तो आप उसको क्या बोलोगे? थैंक यू. क्लियर? नेक्स्ट फ्रेज इज बच्चा मे आई कम इन. मैंने आपको बताया था मे वर्ड हम लोग परमिशन के लिए यूज करते हैं. कम का मतलब होता है आना. मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ या मैं अंदर आ सकता हूँ? बच्चे, क्लास में जब आप क्लास से बाहर जाते हो तो आप बिना मैम की परमिशन के अंदर एंटर नहीं कर सकते. आपको परमिशन लेनी पड़ती है. आपकी मैम जब परमिशन देती है यस कम इन, तभी आप अंदर आ सकते हो. तो मे आई कम इन मीन्स क्या मैं अंदर आ सकता हूँ. ओके, ऐसे ही नेक्स्ट फ्रेज है बच्चा आपकी मे आई गो. गो का मतलब होता है जाना, और मे परमिशन के लिए होता है. मे आई गो, क्या मैं बाहर जा सकता हूँ? क्या मैं जा सकता हूँ? बाहर नहीं, क्योंकि आउट नहीं लिखा हुआ ना. गो का मतलब होता है जाना. क्या मैं जा सकता हूँ? ओके बेटा, अब आपने कहीं जाना है, मम्मा से पूछ के जाओगे ना बच्चे, मम्मा मे आई गो, क्या मैं जा सकता हूँ? ओके बेटा, नेक्स्ट फ्रेज इज बच्चा एक्सक्यूज मी. एक्सक्यूज मी हम लोग कब यूज करते हैं? जब हम लोग स्नीज करते हैं या यॉनिंग करते हैं, या जब दो जने आपस में बात कर रहे हैं, दो या दो से ज्यादा जने, तो उनके बीच में हम लोग एकदम से इंटरप्ट नहीं कर सकते उनको. हमें पहले पूछना पड़ता है एक्सक्यूज मी, क्या मैं ये बात बोलूं? मैं बोल सकता हूँ बीच में. ओके बच्चा, नेक्स्ट फ्रेज इज बच्चा प्लीज. प्लीज हम किस लिए यूज करते हैं? रिक्वेस्ट के लिए. आपने कोई चीज की रिक्वेस्ट करनी है. क्या करनी है? रिक्वेस्ट. मम्मा प्लीज मुझे वाटर दे दो, मम्मा प्लीज मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दे दो, या किसी से कोई भी चीज मांग रहे हो, मम्मा प्लीज मुझे इरेजर दे दो, या अपने फ्रेंड से मांग रहे हो कि मेरे पास पेंसिल नहीं है, आप प्लीज मुझे एक पेंसिल दे दो. आपने अपने फ्रेंड से रिक्वेस्ट की ना. ओके बच्चा, तो रिक्वेस्ट के लिए हम लोग यूज करते हैं प्लीज वर्ड. नेक्स्ट इज बच्चा गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग बच्चा, हम लोग मॉर्निंग में उठते हैं सुबह, तो हम लोग विश करते हैं सबको. मम्मा गुड मॉर्निंग, पापा गुड मॉर्निंग, सबको विश करते हैं, तो हम बोलते हैं गुड मॉर्निंग. ओके, नेक्स्ट फ्रेज इज बच्चा गुड बाय. जब आपके घर में कोई आता है और वो अपने घर वापस जा रहा है, या आप किसी के घर पे आए हो और आप वहां से वापस जा रहे हो, तो आप जाते जाते क्या बोलोगे उसको? गुड बाय. ओके, इसी से रिलेटेड नेक्स्ट फ्रेज है बच्चा हमारी सी यू टुमारो. सी यू टुमारो मीन्स मैं आपको कल मिलता हूँ, तो आप क्या बोलोगे? गुड बाय, सी यू टुमारो, मैं आपको कल मिलूंगा या कल मिलूंगी. ओके, अभी मैं जा रही हूँ, मैं आपसे कल मिलूंगी. ओके बच्चा, नेक्स्ट इज सिट डाउन. सिट डाउन का मतलब होता है बैठ जाओ. ओके, डाउन मतलब नीचे, सिट मतलब बैठना, सिट डाउन मतलब नीचे बैठ जाओ. ओके, ये तो वो फ्रेजेस थी जो हम लोग ऑलरेडी कर चुके थे, हमने अभी रिवीजन किया. अब बेटा नेक्स्ट जो आपकी फ्रेज है वो है बच्चा वेलकम. वेलकम कब करते हो किसी का? बेटा जब आपके घर में कोई आता है, कोई गेस्ट आता है, तो आप सबसे पहले उनको विश करते हो. कैसे विश करते हो? आप हेलो बोलते हो, हाय बोलते हो, नमस्ते, सत श्री अकाल, जो भी आप बोलते हो, तो आप क्या बोलोगे उनको? वेलकम. वेलकम मतलब कि आपका हमारे घर में स्वागत है. ओके, किसी भी गेस्ट को आप अंदर ला रहे हो तो आप उसको बोलो प्लीज वेलकम.
ओके वेलकम मतलब आपका हमारे घर पे स्वागत है, आइए प्लीज वेलकम। ओके बेटा, और एक वेलकम हम बच्चा जब कभी थैंक यू बोलते हैं ना, तो हम थैंक यू के बाद जो जिसको हमने थैंक यू बोला है वो भी बोल सकता है कि वेलकम, इट्स ओके वेलकम। ओके बेटा, अब वेलकम समझ में आ गया सबको। नेक्स्ट फ्रेज है बच्चा हमारी, मे आई टेक द पेंसिल या इरेजर या नोटबुक बुक शार्पनर कुछ भी। मे मैंने आपको पहले ही बताया कि मे हम रिक्वेस्ट के लिए यूज करते हैं। मे आई टेक, टेक का मतलब होता है लेना, टेक का मतलब होता है लेना। मे आई टेक द पेंसिल, आज मान लो मेरे पास पेंसिल नहीं है और मुझे किसी से पेंसिल लेनी है अपने फ्रेंड से, तो मैं क्या बोलूंगी, मे आई टेक द पेंसिल, क्या मैं ये पेंसिल ले सकता हूँ या मैं ये पेंसिल ले सकती हूँ अगर उसके पास एक्स्ट्रा पेंसिल है तो। ओके बच्चा, अब वो खुद ही अपना वर्क कर रहा है या बच्चा खुद ही अपना वर्क कर रही है तो वो अपनी पेंसिल थोड़ा देगी। अगर उसके पास टू पेंसिल है तो आप क्या बोलोगे, आपके पास पेंसिल नहीं है तो आप उसको यही बोलोगे ना, मे आई टेक द पेंसिल, क्या मैं ये पेंसिल ले सकता हूँ। ऐसे ही आपके पास इरेजर नहीं है, उसके पास इरेजर है तो आप उसको ये भी तो बोल सकते ना, मे आई टेक द इरेजर। बेटे इसी तरीके से अगर आपके पास शार्पनर नहीं है और दूसरे के पास शार्पनर है तो आप उसको ये बोल सकते हो, मे आई टेक द शार्पनर। ओके, मे मतलब रिक्वेस्ट के लिए, टेक मतलब लेना। मे आई टेक द पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, नोटबुक, बुक, व्हाटएवर। ओके बच्चा, नेक्स्ट हमारी लास्ट फ्रेज है वो है आई हैव डन माय वर्क। आई हैव डन माय वर्क, जब आप अपना काम कर लेते हो अपने घर पर, आपकी मम्मा आपको होमवर्क करवाती है, जब आपका होमवर्क फिनिश हो जाता है तो आप क्या बोलोगे अपनी मम्मा को आगे से, आई हैव डन माई वर्क, कि मैं अपना वर्क कर चुका हूँ। गर्ल्स बोलेंगी कि मतलब कि कर चुकी हैं, तो आई हैव डन माई वर्क, मैंने अपना काम कर लिया है। इसी तरीके से बच्चा जब आप स्कूल में आओगे तो अपनी मैम को क्या बोलोगे, जब आप अपना वर्क कंप्लीट कर लोगे, मैम आई हैव डन माई वर्क, मैंने मेरा वर्क कर लिया है। और आज के बाद आपने ध्यान रखना है, जब भी आप वर्क फिनिश करोगे आप अपनी मम्मा को बोलोगे, नोटबुक दिखाओगे कि मम्मा आई हैव डन माई वर्क। ओके, आई हैव डन माई वर्क का मतलब होता है कि मैं अपना काम कंप्लीट कर चुका हूँ या कर चुकी हूँ। क्लियर बच्चा? तो आज की थ्री फेजेस कौन सी थी, वेलकम, जब कोई गेस्ट आपके घर में आते हैं तो आप उसको बोलोगे वेलकम, स्वागत करोगे उनका, और मे आई टेक द पेंसिल या इरेजर, कि मैं आपका पेंसिल या इरेजर ले सकता हूँ या ले सकती हूँ, और आई हैव डन माई वर्क, कि मैंने अपना काम कंप्लीट कर लिया है। ओके बेटा, तो ये 12 फ्रेजेस हैं आपके फर्स्ट टर्म में, आपने इनको अच्छे से रिवाइज करना है और मैं अपनी लाइव क्लास में आपसे सुनूंगी। क्लियर बच्चा? ओके, बाय बाय, टेक केयर।